हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं लैपटॉप स्पेसिफिकेशन की, यानी कि एक अच्छे लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आज अपन वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। चलो भाई, तो आज की इस वीडियो में मेनली इन चार कंपनीज की बात करने वाला हूँ, HP, डेल, लेनोवो और आसूस, बिकॉज ये चार कंपनी मार्केट में बहुत बूम पर है और सबसे ज़्यादा लैपटॉप इन्हीं कंपनीज के परचेज होते हैं। बाकी मैकबुक की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैकबुक ऑफ बजट हो जाता है। बाकी मैकबुक एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है और जो लोग मैकबुक लेने की सोच रहे हैं तो वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं मैकबुक की बात नहीं करूँगा, मैं आज इन चार कंपनीज की बात करूँगा। सो इन चार कंपनीज की बात मैं लास्ट में कर रहा हूँगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस की बात बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको लाइन से 8-10 स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और इतनी चीज़ें आप आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कि जब भी आप एक लैपटॉप लेने जाओगे, चाहे वो बजट लैपटॉप हो चाहे वो हाई रेंज का लैपटॉप हो, आप एक अच्छा लैपटॉप ही लेकर आओगे। सो सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशन बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हो स्पेसिफिकेशंस को तो एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं लाइन से आपको स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। सो चलिए स्पेसिफिकेशन बताना स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। सो प्रोसेसर एक लैपटॉप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि उस लैपटॉप के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो, दो टाइप्स के मार्केट में प्रोसेसर अवेलेबल हैं, एक है इंटेल और एक है राइजन। अब राइजन मतलब AMD का है ना। सो इंटेल और AMD दोनों ही बूम पर प्रोसेसर चल रहे हैं, दोनों ही मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, इंटेल और अगर AMD की बात करूँ, सो देखो यूज़र्स ने ऐसा कहा है कि इंटेल का जो वर्किंग होती है, अगर आप किसी गेम को खेल रहे हो या किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, सो उस पर इंटेल की वर्किंग ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप मल्टीपल वर्क कर रहे हो सो उस पर राइजन अच्छा वर्क करता है, AMD का ही राइजन होता है, सो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ऐसे यूज़र्स कहते हैं। बाकी दोनों ही लैपटॉप बहुत ज़्यादा, दोनों ही प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। बाकी अगर मैं VIT भोपाल की बात करूँ, सो VIT भोपाल आपको प्रीफर करेगा कि i7 लेना या राइजन 7 लेना, है ना, उसके नीचे का प्रीफर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, सो i5 या राइजन 5 से भी आपका काम चल जाएगा। मेरा खुद राइजन 5 है और अच्छी वर्किंग देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का राइजन 5 ही है, ठीक है। सो आप अगर कम बजट है तो राइजन 5 या i5 ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट ज़्यादा है सो आप i7, राइजन 7 या उसके ऊपर 9 में भी जा सकते हो, ठीक है। 5, 7, 9 ही उनके नंबर्स होते हैं और जितना ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा वर्किंग अच्छी होती जाती है, ठीक है। बाकी i5 भी आपको एक अच्छी वर्किंग देता है, ठीक है। सो मेरा कहना ये था। सो प्रोसेसर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि देखो, आप प्रोसेसर चाहे इंटेल का लो चाहे राइजन लो, दोनों ही बेस्ट हैं। बाकी मेरा राइजन 5 था, आपको जो लेना हो ले सकते हो, राइट। बाकी इन्हीं दोनों में से लेना, मैं यही कहूँगा प्रोसेसर में। अगले स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो अगली है कोर। सो देखो, एक अच्छे लैपटॉप में 6 कोर होने चाहिए, 6 कोर 12 थ्रेड्स एक अच्छे लैपटॉप में होने चाहिए। सो अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हो तो चेक कर लेना कि उसमें 6 कोर्स हैं या नहीं और 12 थ्रेड्स हैं या नहीं। अगर कोर 4 भी हैं तो काम चल जाता है, लेकिन ट्राई करना कि 6 कोर मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी बात कर लेते हैं SSD की। सो देखो, आजकल के लैपटॉप में SSD हर लैपटॉप में होता है और SSD होना भी चाहिए। पहले के लैपटॉप में HDD बस होता था, आज के लैपटॉप में HDD प्लस SSD दोनों होता है। सो एक चेक कर लेना कि आपके लैपटॉप में SSD है या नहीं, और SSD है तो कितना है। एक अच्छे लैपटॉप में 512 SSD होनी चाहिए। अगर उस लैपटॉप में 512 SSD है तो उसकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है। सो चेक कर लेना SSD है या नहीं, और है तो 512 है या नहीं, ठीक है। 512 है सो कंफर्ट है, बहुत अच्छी चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं रैम की। सो रैम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छे लैपटॉप की। सो देखो, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग में हो, 4 साल आप अच्छे से काटना चाहते हो, सो मिनिमम 8 GB रैम उसमें होना चाहिए। बाकी मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है, और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, 8 GB, 16 GB, 32 GB बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिनिमम 8 GB होना चाहिए। उससे कम है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली GPU की। सो GPU देखो, दो टाइप्स के GPU होते हैं, एक डेडिकेटेड और एक इंटीग्रेटेड। अब देखो, डेडिकेटेड GPU अच्छा होता है, इंटीग्रेटेड GPU थोड़ा उससे अच्छा नहीं होता है। अब डेडिकेटेड GPU आपको मिलने वाला है केवल गेमिंग लैपटॉप में, डेडिकेटेड GPU आपको गेमिंग लैपटॉप से मिलते हैं, और जो इंटीग्रेटेड होते हैं वो नॉर्मल लैपटॉप से मिलते हैं। सो मैं प्रीफर करूँगा आपको कि आप गेमिंग लैपटॉप लेना, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप की जो वर्किंग होती है वो बहुत तेज होती है एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्मल लैपटॉप्स। और जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें डेडिकेटेड भी आपको मिल जाता है GPU, और बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे उसकी डिस्प्ले वगैरह सब अच्छा रहता है। सो मेरे पास नॉर्मल लैपटॉप है, बट मुझे लगता है कि मुझे गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए सा। सो आपको मैं प्रेफर करूँगा गेमिंग लैपटॉप लेना। बस गेमिंग लैपटॉप में दो ही लॉस हैं, ये हैं कि एक उसकी जो हीट है, हीट जल्दी हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाता है, दूसरा उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो देखो, ये कोई मेजर लॉस है नहीं,
बिकॉज अगर लैपटॉप की पंखा जो फैन क्वालिटी होती है वो अच्छी है सो वो ज़्यादा हीट होगा नहीं, और वेट आपको अगर कहीं ज़्यादा लेके जाना नहीं है सो वेट भी मैटर नहीं करता है। सो ये दोनों कोई बड़े मेजर इशू है नहीं, इसलिए गेमिंग लैपटॉप प्रेफर करूँगा, आप गेमिंग लैपटॉप ले लेना, बाकी अगर नॉर्मल भी लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया गेमिंग लैपटॉप तो गेम डेवलपर्स के लिए होता है, हम तो नॉर्मल साइबर वाले हैं, क्लाउड वाले हैं या नॉर्मल यूज़र हैं। सो देखो, गेमिंग लैपटॉप गेम वालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप गेमिंग ब्रांच में नहीं हो तब आपके लिए और अच्छा है, बिकॉज आपका नॉर्मल जो स्पीड होगी, कोड जो रन करोगे वो ज़्यादा तेज, ज़्यादा फास्ट रन होगा और ज़्यादा तेज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ थी, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा गेमिंग लैपटॉप लेना। बाकी नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वो है वेट। सो देखो, वेट जितना कम हो सके उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो गेमिंग लैपटॉप्स का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है ना, लेकिन मिनिमम जैसे देखो 1 kg, 1.5 है ना, मेरा 1.6 है, सो इतना आप ले सकते हो, इतना नॉर्मल होता है। देखो वेट से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, वेट बस ये है कि आप कहीं उसको आसानी से ले जा सकते हो या नहीं, ये बस डिपेंड करता है वेट पे, इसलिए वेट कम से कम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ही को सहूलियत है, बाकी ज़्यादा भी होगा तो उतनी मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसके बाद, हाँ डिस्प्ले की, आपकी डिस्प्ले साइज़ कितना है। सो देखो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको छोटी स्क्रीन पसंद है सो आप 12 या 14 इंच का ले लो, अगर आपको बड़ी स्क्रीन पसंद है तो आप 15 या 16 इंच का ले लो, तो मेरा 15 इंच का है, सो आप जितना लेना हो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बॉडी की। सो लैपटॉप की बॉडी कैसी होनी चाहिए, सो लैपटॉप की बॉडी देखो दो टाइप्स की होती है, एक फाइब्रिक और एक मेटलिक। फैब्रिक मतलब प्लास्टिक की बॉडी। ठीक है, सो देखो मेटलिक बॉडी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसका थोड़ा मतलब टूटने फूटने का चांस कम होता है, जबकि फाइबर बॉडी थोड़ा उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये दोनों में आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मेटलिक बॉडी प्रेफर करूँगा, मेटलिक बॉडी लेना, वो ज़्यादा सही रहती है ना। अब ऐसा मत सोच लेना कि मेटलिक बॉडी उस पर करंट मार देगा, करंट वगैरह नहीं मारता है, बहुत अच्छी उस पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने वाली बात। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं विंडोज़ की। सो देखो इस समय विंडोज़, देखो दो टाइप्स की चीज़ होती है, एक विंडोज़ और एक डोज़। पहले डोज़ चलता था, अब विंडोज़ चलता है। ठीक है, सो डोज़ मत ले आना गलती से भी, ठीक है, विंडोज़ लाना, और दूसरी बात विंडो का लेटेस्ट वर्जन लाना, जैसे विंडो 11 चल रहा है अभी लेटेस्ट वर्जन, विंडो 12 अभी आया नहीं है, शायद 2024 मार्च में आने वाला है, सो उसके लिए अभी टाइम है, अभी आप विंडो 11 ले लेना, वही लेटेस्ट वर्जन है, मेरे में भी विंडो 11 डला हुआ है, सो लेटेस्ट वर्जन लोगे विंडो का वो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छी वर्किंग रहेगी। ठीक है, सो लेटेस्ट वर्जन लेना, बाकी आप लिनक्स मैकबुक वाले हो सो उसका भी लेटेस्ट वर्जन लेना। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन की मतलब क्वालिटी, मान लो कि जैसे HD है कि फुल HD, तो देख लेना, उससे पूछ लेना जब लेने जाना कि भैया उसकी क्वालिटी HD है या फुल HD, बाकी फुल HD ज़्यादा अच्छा होता है और फुल HD ही लेना, बाकी गेमिंग में आपको मिलेगा फुल HD, पहले ही बता दूँ। ठीक है, बाकी आप सोच रहे हो कि ये सब स्पेसिफिकेशन मैं पता कैसे करूँगा, सो देखो अगर आप स्टोर पे जाओगे सो जो जब वो आपको लैपटॉप देगा सो लैपटॉप के बॉक्स के साइड में आपको सारी स्पेसिफिकेशन लिखी मिल जाती है, वहाँ जाके पढ़ लेना, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेज़ॉन पे, तो उसके नीचे भी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है, तो वो सब भी एक बार पढ़ लेना, मेन स्पेसिफिकेशन ही होती है, उन्हीं को पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सो वो है कीपैड लाइट। सो देखो एक अच्छे लैपटॉप में कीपैड लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी कंपनियाँ कीपैड लाइट नहीं प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कीपैड लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रात में जब आप वर्क करते हो सो जैसे लाइट वगैरह नहीं रहता, सो कीपैड लाइट का यूज़ होता है वहाँ, और एक अच्छे लैपटॉप में कीपैड लाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो ये भी नोटिस कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है ब्राइटनेस। सो एक अच्छे लैपटॉप में ब्राइटनेस 200, एक बहुत अच्छे लैपटॉप में ब्राइटनेस 400 निट्स होनी चाहिए। 400 निट्स अगर आपके लैपटॉप में ब्राइटनेस है तो वो आपके आईज़ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल लैपटॉप में 200 से 300 निट्स भी है सो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 400 निट्स अगर है तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी आँखों के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, वो है अपग्रेडेबल ऑप्शन। सो एक लैपटॉप में अपग्रेडेबल ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन फ्यूचर अगर आपको अपनी रैम वगैरह इंक्रीज़ करना है सो आप अपग्रेडेबल ऑप्शन से इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर उसमें अपग्रेडेबल ऑप्शन नहीं है सो आप उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जब भी आप लैपटॉप लेने जाओ सो इन सब स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना, और ये सब स्पेसिफिकेशन ज़रूर देख लेना कि ये सब चीज़ है या नहीं, अगर ये सब स्पेसिफिकेशन उसमें हैं सो वो एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप होगा और उसको जल्दी से परचेस कर लेना। ठीक है, बाकी देखो कुछ लोग होंगे जो बजट लैपटॉप वाले होंगे, कुछ लोग होंगे जो हाई लेवल लैपटॉप वाले होंगे, सो देखो आप चाहे बजट लैपटॉप लेने जाओ चाहे हाई लेवल हाई प्राइजेस के लैपटॉप लेने जाओ, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है ताकि
आप अगर सस्ता भी लैपटॉप लेने जा रहे हो सो आपको उसमें अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल जाए, है ना। सो देखो ये सब बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की, अब अपन लास्ट बात कर लेते हैं जो कि है कंपनीज़ की। सो जो मैं चार कंपनीज़ की बात करने वाला था, HP, Dell, Lenovo और Asus, सो इनकी बात कर लेते हैं। सो देखो ये चारों कंपनीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और सबसे ज़्यादा लैपटॉप इन्हीं कंपनीज़ का बिकता है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। सो मेनली जो बंदे होंगे इन्हीं चार लैपटॉप्स की कंपनी को लेंगे। मेरे पास HP का लैपटॉप है, बाकी आप कोई भी ले सकते हो। देखो इन चारों लैपटॉप्स की अगर मैं डिफरेंस बताऊं, सो सबसे पहले आता है डेल। डेल में क्या है, डेल के लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है डेल की ही है ना। डेल को इस समय डेल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन डेल में एक ये है कि डेल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है ना। मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स देगा लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। सो डेल के प्राइसेस थोड़े हाई हैं, बाकी उस कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो ये बात हो गई। उसके बाद आता है HP। सो HP में क्या है, देखो HP मीडियम है, HP बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। और तो HP का थोड़ा रेंज भी मीडियम है, ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं है, कम प्राइजेस भी नहीं है, और वो आपको सही चीज़ें सही चीज़ में दे देता है, यानी ना ज़्यादा ठीक है ना ज़्यादा बेकार, मॉडरेट है वो, है ना। मतलब प्राइजेस के मामले में भी सही है, फीचर्स के मामले में भी सही है। सो HP में सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि HP के आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसके पार्ट्स मिल जाएंगे, यानी अगर आपका कीपैड ख़राब होता है या कुछ भी ख़राब होता है सो आप उसको किसी भी स्टोर में जाके बदलवा सकते हो लैपटॉप के, है ना, क्योंकि वो हर स्टोर पे अवेलेबल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, राइट। बाकी अगर आप लेनोवो या Asus जैसी कंपनीज लेते हो सो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी बिगड़ जाता है सो आपको सीधे उसको सेंटर भेजना पड़ता है और वो पूरा ही रिप्लेस होता है, ठीक है। सो ये सब बात हो गई HP में, यही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं Asus की। सो Asus एक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है क्योंकि Asus आपको बहुत सारे फीचर्स कम प्राइजेस पे देता है ना। जो डेल आपको 4-5 फीचर्स दे रहा होगा एक हाई प्राइजेस पे, वही Asus आपको सारे फीचर्स दे देगा एक लो प्राइस पे, ठीक है। सो इसलिए Asus बहुत ज़्यादा बिकता है। सो Asus अगर लैपटॉप आपको लेना है सो वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन Asus कंपनी का थोड़ी वर्किंग उतनी सही लगती नहीं है मुझे, है ना, और ना ही लेनोवो की लगती है। बिकॉज ये दोनों क्या है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो जिनका लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है या चलते चलते हैंग हो जाता है जबकि उन्होंने नया लैपटॉप लिया है, इसलिए फिर भी वर्किंग अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बट ये सब चीज़ें मैंने देखी है अपनी आंखों से। सो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि Asus लैपटॉप मत लेना, लेनोवो मत लेना, बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं, लेना हो ले लेना। जिनका बजट कम है उनके लिए Asus लेनोवो ही सबसे बेस्ट है, बाकी ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं उन लैपटॉप्स में, सो इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी लेनोवो लैपटॉप बाकी Asus से भी थोड़ा सस्ते पे आ जाता है, मतलब प्राइजेस में, बाकी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वो भी आपको कम प्राइजेस में अच्छे फीचर्स दे देगा। सो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास बजट है अच्छा सो आप डेल को प्रेफर करो, और अगर उससे थोड़ा कम है सो HP को प्रेफर करो, और उससे भी कम है सो Asus या लेनोवो को प्रेफर करो, ठीक है, ये कहूँगा। बजट के हिसाब से इन पे प्रेफर करना, बाकी चारों की वर्किंग अच्छी है, चारों ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, ये जो चार बूम कंपनियाज हैं इनके बारे में बताया कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो एक लैपटॉप लेने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो तब आप एक अच्छा लैपटॉप ही लेकर आओगे, ठीक है। सो आपकी डिमांड थी इस पर एक वीडियो बनाना, सो मैंने इस पर एक फुल डिटेल वीडियो आज बना दी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताना, सो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।